यह कहानी एक प्यारे कुत्ते की है। एक छोटे से गांव में एक कुत्ता रहता था। वह बहुत प्यारा था, लेकिन वह हमेशा अकेला रहता था। गांव के बच्चे उससे खेलने से डरते थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि कुत्ते कभी कभी भौंकते हैं। एक दिन गांव में एक छोटी बच्ची आई। उसने कुत्ते को देखा और उसकी आंखों में प्यार देखा। बच्ची ने सोचा, यह कुत्ता तो बहुत प्यारा है। उसने कुत्ते के पास जाकर उसे बुलाया। छोटी बच्ची ने कुत्ते को एक बिस्किट दिया। कुत्ते ने खुश होकर बिस्किट खाया और उसकी भौंक सुनकर छोटी बच्ची हंसने लगी। अब कुत्ते को महसूस हुआ कि कोई उसे पसंद करता है। छोटी बच्ची रोज कुत्ते से खेलने आती थी। वे दौड़ते, गेंद से खेलते और बहुत मजे करते थे। धीरे धीरे गांव के अन्य बच्चे भी कुत्ते के पास आने लगे। सबने देखा कि वह कितना प्यारा और मस्त कुत्ता है। कुत्ता अब अकेला नहीं था। बच्चे उसके साथ खेलते, उसे प्यार करते और कुत्ता भी सबको खुश रखने लगा। गांव में कुत्ते की लोकप्रियता बढ़ गई। एक दिन गांव में एक तूफान आया। सभी बच्चे डर गए और घरों में छिप गए। कुत्ते ने देखा कि छोटी बच्ची अकेली खड़ी है। उसने तुरंत दौड़कर उसे अपने पास बुलाया। कुत्ते ने छोटी बच्ची को अपने चारों ओर घेर लिया ताकि वह सुरक्षित महसूस करे। उसने अपनी भौंक से बाकी बच्चों को भी बुलाया। सभी बच्चे कुत्ता के पास आए और उन्होंने मिलकर तूफान का सामना किया। तूफान खत्म होने के बाद गांव के सभी लोग कुत्ते की बहादुरी की तारीफ करने लगे। अब सब समझ गए थे कि कुत्ता केवल प्यारा नहीं बल्कि बहुत साहसी भी है। गांव के बच्चों ने कुत्ते के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी। सभी ने मिलकर कुत्ते के लिए केक बनाया और उसे खुशी खुशी खिलाया। कुत्ते ने सबका प्यार देखकर बहुत खुशी महसूस की। अब कुत्ता और छोटी बच्ची सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने साथ में बहुत सी यादें बनाई। गांव में प्यार और दोस्ती का माहौल बना रहा और सब प्यार से रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती जीवन को बहुत ही खुशहाल बनाती है और सभी को मिलकर प्यार से रहना चाहिए। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।